प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ाएंगे, या लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ऑक्सीजन। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाई सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को पहुंचाना। ये किसके द्वारा होता है? दो प्लांट में भी होता है और ह्यूमन बॉडी में भी होता है। तो आज हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्टेशन। किसी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भाग लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? हार्ट। हार्ट क्या काम करता है? पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। सेकंड क्या है? आर्टरीज एंड वेंस। ये क्या करते हैं? ब्लड वेसिस के रूप में काम करते हैं। थर्ड क्या है? ब्लड एंड लिम्फ। ये सर्कुलेटरी मीडियम को बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले बॉडी ऑर्गन ले लो। बॉडी ऑर्गन से क्या होगा? मेन वीन द्वारा डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। और उसके बाद राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी लंग्स से फिर पल्मोनरी वेंस द्वारा ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। पहले ये हम समझते हैं कि हमारे हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। हमारे हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। ऊपर के शुरू पार्ट में क्या होते हैं? राइट साइड जो होते हैं डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। राइट साइड कौन सा ब्लड बहता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। इसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल भाग लेते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। यह हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि लेफ्ट साइड जो होता है ऑक्सीजनेट मतलब शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन मिले हुए ब्लड को शुद्ध ब्लड कहते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से मिलकर हमारे ब्लड में मिलता है और उसे हार्ट में जाता है तो इसको डीऑक्सीजनेट ब्लड कहते हैं। अशुद्ध ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध ब्लड। बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। जब ब्लड हमारे हार्ट से लंग्स में जाता है, हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, और दोबारा हमारे वापस हार्ट में आता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट, ब्लड जो है मूव होता है हार्ट को, टू रेस्ट द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, पूरे बॉडी में घूम कर पहुँच कर दोबारा जब ब्लड हार्ट में पहुँचता है तो इस क्रिया को सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। जब ब्लड पूरे बॉडी में जाता है तो ये ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, मतलब ब्लड शुद्ध होता है। पूरे बॉडी से आते आते इसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य मटेरियल मिल जाते हैं, जिसके कारण ब्लड क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। फिर ये बॉडी में से हार्ट में आकर फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर ये ऑक्सीजनेट कार्य होने का कार्य करता है। ब्लड जब ऑक्सीजनेट हो जाता है तो इसे शुद्ध ब्लड कहते हैं। सॉलिड कंपोनेंट ब्लड में कौन कौन से होते हैं? ऐसे हमारे ब्लड में 3 तरह के कॉर्पस होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC लाल रुधिर कणिकाओं को कहते हैं, इससे ब्लड का रंग लाल होता है। WBC वाइट ब्लड को कहते हैं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ होती हैं जिससे हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करते हैं। ये अगर WBC हमारे शरीर में रहता है तो जितने भी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस हमारे ऊपर बाहर से एटमोसफेयर से हमारे ऊपर हमला करते हैं, उनको ये भक्षण कर लेते हैं, मतलब उनको खा जाते हैं और हमारे शरीर को उनसे बचाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में WBC की मात्रा अधिक होनी चाहिए। उसके बाद है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड को बहाने में एक स्थान से दूसरे स्थान में
इसमें अधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। एरी आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का और ले आने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में होती है। ये क्या होता है, हीम होता है, ये लोह युक्त पदार्थ होता है जिसे हीम बोलते हैं, जो ब्लड में पाया जाता है। ये हमें किससे मिलता है, आयरन। जब अधिक मात्रा में आयरन लेते हैं अपने भोजन में, सेब या गाजर या कोई ऐसी चीज़ जिसमें से हमें आयरन मिलता है, चुकंदर, तो ये क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ पूरे शरीर में, बॉडी में पहुँचता है और फिर लौटते समय वहाँ से डी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, जो दोबारा लंग्स को दे दिया जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये ट्रांसपायरेशन का काम करता है। नेक्स्ट है लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा। प्लाज्मा में WBB वाइट ब्लड प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाई इंगरपिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग। जैसे बताया कि WBC जो हमारा होता है, ये जर्म्स से हमारी बॉडी को बचाता है। और प्लाज्मा कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और इसमें लगभग 90% फ्लूड होता है और वाटर 10% होता है। बच्चों ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन या एल्बुमिन ग्लोबिन, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल सब इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें उपस्थित होते हैं प्लाज्मा में। लिम्फ क्या होता है, यह येलो रंग का पदार्थ होता है और ब्लड कैपिलरी इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन द ब्लड। ये प्रोटीन से युक्त होता है लेकिन इसमें लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, जर्म्स को ख़त्म करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कार्य करता है। ब्लड वेसिस कितने तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेंस, दो भागों में बांटा जाता है ब्लड को। कैरी ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम हार्ट बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज में क्या आता है, ऑक्सीजनेट ब्लड जाता है और वेंस में क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड जाता है। और बॉडी ये क्या होता है, बॉडी पार्ट टू हार्ट, ये पूरे बॉडी से हार्ट में जाता है। और इसमें नेक्स्ट है आर्टरी क्या करती हैं, आर्टरी को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसिस भी कहते हैं। ये थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं और डीप सीटेड आर्टरीज भी इन्हें कहते हैं। वेंस में क्या आता है, वेंस में आल्सो कॉल्ड कलेक्टिक वेसिस भी से कहते हैं। ये थिन होती हैं, लेस इलास्टिक होती है, सब थीसियर एंड कंपेयर टू द एक दूसरे से कंपेयर होती हैं। आर्टरीज और वेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारा हार्ट जो करता है पंपिंग का कार्य करता है। पंपिंग मतलब पूरे बॉडी हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ये सब ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। बच्चों इस प्रकार के दो तरह के हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन होता है, डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट। डीऑक्सीजनेट ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम। इसलिए डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है बॉडी में ऊपर चैम्बर के भाग से आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द राइट एट्रियम करस्पेंडिंग लोअर चैम्बर। जैसे तुम देखे हो गया, हार्ट जो होता है पंप करता है, पंप करते समय उसमें संकुचन होता है, सिकुड़ जाता है और ब्लड सारा बाहर निकल जाता है। जब ब्लड फिर बॉडी में या हार्ट में आता है तो ये फैल जाता है। इस प्रकार दो तरह की क्रिया होती है, संकुचन और कर्माकुंचन। संकुच होता है, एक बार ये सिकुड़ता है, एक बार ये फैलता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम सर, संकुचन क्रिया बोलते हैं। जब ब्लड बाहर निकल जाता है, वी कैन फ्लो प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप, ये स्टेप बाई स्टेप होता है चैम्बर में। लेफ्ट एट्रियम इज थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम लंग्स। ओके बच्चों, और नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे जो और कुछ ब्लड के बारे में हम बता सकते हैं आपको। उसमें है दे हैव थीकर मस्कुलर वॉल्स। हार्ट की जो वाल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, मस्कुलर होती हैं और वाल्व जो होते हैं, ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, नीचे उसके बाहर ब्लड नहीं पहुंच सकती इन दीवारों से। इन द आर्टेरिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये आर्टेरिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये ब्लड बाहर नहीं निकल सकता। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ए सिस्टमैटिक
रेस्पायरेशन के अंतर्गत होता है। ऑक्सीजन इंटर्स द बॉडी इन द लंग्स। द सप्रेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेट एंड डी ऑक्सीजनेट ब्लड फॉर मिक्सिंग। सच ए सप्रेशन अलाउ हायर एफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, दस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट रिक्वायर हाई एनर्जी सच एज बर्ड, मैमल्स। दीज एनिमल्स कंसेंट्री यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एनिमल्स डेट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। सच एनिमल्स सच एज एम्फीबियन, मैनी रेप्टाइल्स जैसे कि रेंगने वाले जीव हो गए या पानी में रहने वाले जीव हो गए, इसमें थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये हार्ट क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेट एंड डी ऑक्सीजनेट ब्लड स्ट्रीम्स। दे आर ओनली टू चैम्बर्स इन द हार्ट फिशेस। मछलियों में दो चैम्बर में होता है। इन फिशेस द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। इसमें क्या होता है, गिल्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजनेट और डायरेक्टली टू द रेस्ट द बॉडी। ऑक्सीजनेट ब्लड को डायरेक्टली बॉडी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें हार्ट नहीं पाया जाता है, इसकी जगह पे गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स ही हार्ट का कार्य करते हैं। इसमें ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इज द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द फिशेस थ्रू द बॉडी। वर्टिब्रेट में क्या होता है, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स सर्कल। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। वर्टिब्रेट बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। दी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि तुमने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, इन सब के बारे में पढ़े होंगे ना। इसमें क्या होता है, अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल जैसे कि बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज। प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल होते हैं, तुम्हें पता होगा, पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसमें भाग लेते हैं। भोजन बनाते हैं सूरज की उपस्थिति में, इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस करते हैं कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो द सोयल इज नियरेस्ट या रिचेस्ट सप्लेटरी। द सोयल द एबोर्शन ऑफ द सब्सटेंस देयर फॉर अक्वस थ्रो द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द सोयल। ये कुछ पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो सोयल के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जैसे कि रूट हो गया। एनर्जी एंड ला मटेरियल कैन ईजली डिफ्यूज आर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोयल कंट्रेक्टिव ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल। बट इट डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशियंट टू प्रोवाइड ला मटेरियल इन लीव इन द एनर्जी ऑफ रूट। कच्चे पदार्थों के रूप में ये क्या करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, रूट्स के द्वारा मिलती है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी वेरीज ऑफ डिफरेंट ऑफ बॉडीज डिजाइन। विभिन्न भागों से एनर्जी को पहुँचाया जाता है, वो भाग कौन से होते हैं, तुमने नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम करता है, जाइलम जो है वो वाटर को पहुँचाने का कार्य करता है। प्लांट्स के विभिन्न बॉडी पार्ट तक ये जाइलम जो होते हैं फैले होते हैं और वाटर को पहुंचाने का काम करते हैं। ए लार्ज प्रोपोरेशन ऑफ डेड सेल आर प्रेजेंट इन मैनी टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडीज। एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लार्ज एनर्जी नीड एंड कैन रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से होता है। जैसे कि जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बता चुका है कि जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स खनिज पदार्थों को रूट टू अदर पार्ट को पहुंचाने का कार्य करता है, जड़ से लेकर पार्ट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने काम करता है। इसमें कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ये कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बनाया रहता है
प्लांट्स जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा भोजन को, उस भोजन को ये क्या करते हैं, प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने कार्य करते हैं। इस क्रिया में, इस रिएक्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस एनर्जी को ये एटीपी के रूप में लेते हैं। बच्चों एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, और एडीपी का क्या होता है, एडिनोसिन डाईफास्फेट। एटीपी को एडीपी के रूप में बदल के ये लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जो एक्स्ट्रा बहुत कम मात्रा में पानी भाप के रूप में फ्रॉम एरियर पार्ट, जो कि जहाँ से वायु आ जा सकती है वहाँ तक पहुँचाते हैं, इस क्रिया को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फंक्शन, इसके कार्य क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोलेशन, ट्रांसपोरेशन। थैंक यू बच्चों।